रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशभर का माहौल जो है वह भक्तिमय हो चुका है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कलाकार जो है वह श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी और माँ सीता की मूर्ति बना रहे हैं और इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखेंगे बगल में पीएम नरेंद्र मोदी की भी मूर्ति रखी गई है, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह की तस्वीर मुजफ्फरपुर की है। हम कलाकार से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो राम जी की मूर्ति बना रहे हैं, छोटी छोटी मूर्ति बना रहे हैं, इसकी डिमांड कितनी बड़ी है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम जय प्रकाश कुमार है। मूर्तियां बना रहे हैं राम जी की, अभी मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई है क्या? जी जी, इनका डिमांड अभी बढ़ गया, काफी बढ़ा हुआ जी, है। काफी 22 जनवरी के लिए ले रहे हैं। जी जी, उन्हीं के लिए लोग घर में स्थापना करेंगे, वहाँ भी है, यहाँ भी लोग जो नहीं गए हैं वो यहाँ अपना सब लोग घर में स्थापित करेंगे इस जी, वाले जी, मूर्ति को। जी जी, छोटे छोटे मूर्तियाँ बना रहे हैं जी। कितना टाइम लग रहा है एक मूर्ति बनाने में? जी, एक मूर्ति बनाने में समय लग जा रहा है, समय लग एक रहा दिन है। लग कीमत कितनी रखी गई है? 600 रुपया है छोटा वाला, बड़ा वाला 800। बगल में पीएम नरेंद्र मोदी की भी आपने मूर्ति रखी है, क्या कुछ वजह है? प्रेरणा ले रहे हैं इनसे? जी, इन्हीं से प्रेरणा मिल के तो काम होता है। अयोध्या में बनवाया, आप यहाँ बना रहे हैं? जी जी, पीएम मोदी से प्रेरणा ले रहे हैं, सही बात। क्या लग रहा है यह जो हुआ है, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, कितने दिन से इंतजार था ये? बहुत अच्छी चीज हुई है ये, जो राम अयोध्या मंदिर हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, पीएम जो किए हैं बहुत अच्छा किया, बहुत ज्यादा है, एकदम खुशी का माहौल है सभी के दिलों में। आप मूर्ति बनाते हैं? जी, हम अपने 15 वर्ष से मूर्ति बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ की, एक खास बात हम बता दें, नरेंद्र मोदी की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, उन्हें द बेस्ट पीएम इन द वर्ल्ड बताया गया है और उनके उन्हें पास में रख कर उनसे प्रेरणा लेकर श्री राम लक्ष्मण माँ सीता और हनुमान जी की यह जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वह बनाई जा रही है। दिन रात कलाकार जो है वह लगे हुए हैं और इसकी डिमांड बढ़ गई है। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो लोग घर में इस मूर्ति को स्थापित करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।